देख सकते हो पसीने में क्या तरम तर हो गया मामला, कपड़े बिल्कुल तर है बोले। देख सकते हो इधर सूरज निकला हुआ है और इधर हो रही है बारिश। मार 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 अमार अमार ना बोलेगी। वेलकम बैक। और बोले आज हम जाने वाले हैं करनावल से पूरा महादेव, लगभग 17 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और अभी नहा धो करके रेडी होने वाले हैं, अपने कपड़े यहाँ पर सूख चुके हैं और यहाँ पर समर सेल चलाएंगे। अभी नहाएंगे धोएंगे रेडी होएंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। अब मैं नहा लेता हूँ 1 2 3। तो बोले निकल चुके हैं जल चढ़ाने के लिए पूरा महादेव जी पे और अब हम मिलेंगे आपको गाँव से बाहर। भाई बोले हम तो सोच रहे ठंडा मौसम है लेकिन गर्मी इतनी हो रही है ना, हम तो छेड़ लगे। अभी पार होने वाला बस गांव, मुश्किल से मुश्किल 200 मीटर। बोर्ड दिख रहा होगा जैसा ग्रीन वाला बोर्ड दिख रहा ना, यही वाला है एंड सीमा। चलो निकलते हैं फिर। तो भैया अपना गांव पार कर दिया है, अब अगला गांव है 1.5 किलोमीटर बाद नारंगपुर, तो पहुँचते हैं। तो बोले ये रहा हमारे महादेव जी का मंदिर और सामने आ चुका है 100 मीटर आगे नारंगपुर। बोल शंकर भगवान की जय। अगर आप भी आ रहे हो तो आप ये मंदिर देख के समझ जाना कि नारंगपुर आ चुका है। बोले ये है नारंगपुर, इसमें हमने एंट्री ले ली है और गर्मी मतलब हम तो ये सोच रहे थे कि गर्मी नहीं है लेकिन जैसे बाहर निकले ना फिर वही मौसम होगा, बहुत ज़्यादा गर्म हुआ मामला। तो बोले अब देखते हैं क्या सीन करते हैं, यहाँ पर रुकते हैं या फिर आगे रुकते हैं। मेरा तो मन यही है कि अथवाड़ी जाकर रुके, इससे आगे है वो 3 किलोमीटर। तो भाई बोले नारंगपुर कर दिया हमने पार, 13 नारंगपुर का बोर्ड, ग्राम नारंगपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं कैथवाड़ी, यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। तो कैथवाड़ी पहुंचते हैं, रास्ते में एक मंदिर पड़ेगा वो अभी आप मैं आपको दिखा दूंगा। तो बोले जिस मंदिर की मैं बात कर रहा था वो मंदिर आ चुका है, इसके आगे पड़ेगा एक गंदा नाला और उसके वहाँ से पड़ता है लगभग 1 किलोमीटर दूर कैथवाड़ी रोड है, गाँव नहीं रोड, कैथवाड़ी गाँव तो पड़ेगा अभी 2 किलोमीटर। तो ये मंदिर हनुमान जी का मंदिर है, देख सकते हो हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा, बहुत ही बड़ी प्रतिमा, बहुत ही प्यारा मंदिर है। और यहाँ पे मेला भरता है, अभी नेक्स्ट मंथ भरेगा, वो कौन से मंथ में भरता है, वो भरता है जन्माष्टमी जस्ट 2 दिन बाद, ठीक है। तो आगे चलते हैं फिर मिलते हैं। तो भाई बोले आ चुका है कैथवाड़ी वाला रोड, मतलब ये इधर मेरठ जाता है, इधर जाता है बड़ौत और सामने जो हैरा गेट दिख रहा है ना इधर वो जाता है कहाँ, पूरा महादेव। और ये जगह पड़ती है कैथवाड़ी और गांव है इससे लगभग 200 नहीं लगभग 1 किलोमीटर आगे। बोले यहाँ पे चल रही है 12 और इधर है ये वाला रोड, इधर रुके थे थोड़ी देर के लिए क्योंकि लगभग 7 किलोमीटर आ चुके हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। देख सकते हो पसीने में क्या तरम तर हो गया मामला, कपड़े बिल्कुल तर है। तो अभी यहाँ से कैथवाड़ी रह गया है, ओ कैथवाड़ी गया किनौनी रह गया है लगभग 1.5 किलोमीटर, किनौनी पहुँचते हैं और फिर आपको दिखाते हैं भंडारा और वहाँ पे रुकेंगे भी। तो बोले ये है किनौनी मील, बजाज मील, मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ के सारे गन्ने खपत यहीं पे होती है और यहाँ पे बनती है चीनी, मतलब बहुत सारे आइटम बनते हैं। और यहाँ से रह गया है पूरा महादेव लगभग 7 किलोमीटर, एक झटके में यहाँ है और दूसरे झटके में हम सीधा वहीं रुकेंगे आपकी बार पूरा महादेव मंदिर पर। और तो देखो लोकल लोग चल रहे हैं पूरे महादेव जी पे और वहाँ पे दर्शन करेंगे और जल चढ़ाएंगे, सभी जो यहाँ के लोकल भंडारा लगाते हैं। अब तो ऐसा हो गया यहाँ पे उधर सी गया ऐसा, मतलब ऐसा लग रहा पता नहीं क्या हो गया, 4 दिन से मजा आ रहा था पूरा, फुल झूम रहे थे मस्ती में और जब से यहाँ पे ऐसा हो गया रोड नॉर्मल लोग दिखने लगे, अजीब सा लगने लगा। तो अभी यहाँ से 1 किलोमीटर नहीं 400 मीटर पे एक वो पड़ेगा भंडारा, वहाँ पे पंखे में रुकेंगे थोड़ी देर और फिर सीधा निकलेंगे पूरा महादेव जी के लिए। तो बोले जिस भंडारे की मैं बात कर रहा था वो ये है भंडारा, इधर यहाँ पे पड़ता है किनौनी मील और हमारे बोले भी आ चुके हैं, जय बोले की। एक घंटे बाद आए पर अरे गलत जी भाई, हम तो बोले हमारा बोले छील के था, मतलब सोच सोच आ गई थी सोच पोटी। तो बोले यहाँ बैठे हैं अभी 15 मिनट बैठेगा फिर निकलेंगे दोबारा पूर्व महादेव मिलेंगे। तो बोले दोबारा से निकल चुके हैं, अब सीधा रुकेंगे पूरा महादेव मंदिर पर। और ये सामने है ये जो साइड में जहाँ पे रुके हुए थे किरौनी मिल है और इससे आगे पड़ेगा एक और गांव
उकसिया, जिसका नाम है उकसिया, वो लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर है। और फिर उसके बाद डायरेक्ट है पूरा महादेव, उसका रूट कह रहा लगभग लगभग वहाँ से 4 किलोमीटर पड़ेगा, मतलब टोटल अभी 7 किलोमीटर बचा हुआ है पूरा महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। तो बोले जो पीछे गांव देख रहे हो ना, ये था उकसिया गांव। अब इसके बाद कोई गांव नहीं आएगा, सीधा आएगा पूरा महादेव मंदिर, मतलब पूरा गांव आएगा, पूरा महादेव मंदिर आएगा। और यहां से लगभग लगभग 4 किलोमीटर रह गया है, अभी खींचते हैं खटवाखट और पहुँचते हैं, आज जल अभिषेक करेंगे। बोले देख सकते हो इधर सूरज निकला हुआ है और इधर हो रही है बारिश, तो मतलब 14 का जल चढ़ चुका है। और अभी हम उकसिया गांव को पार करके 1 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। इधर सूर्यदेव का दर्शन दे रहे हैं और इधर रिमझिम रिमझिम बारिश होनी स्टार्ट हो चुकी है। क्या मजा आ रहा है भाई, पूरण दे रहा बोले दबादम, मुझे लग रहा भीग जाएंगे। रुके या नहीं, 2 मिनट रुक ले, गर्म रहे गर्मा रहे हम। तो भैया रुक गया साइड में क्योंकि बारिश आ रही बहुत ज़्यादा। हाँ भाई बारिश इतनी तेज है ना, तो हम तो रुक गए क्योंकि हमारा शरीर था गर्मा रहा था, जो भी गर्मा रहा था। अगर हम ना रुकते पैर तो खराब होते, एक तो गर्मी इतनी है ना, मामला क्या बुखार भी हो सकता था। तो अभी यहीं पर रुकते हैं, बारिश हो गई फिर चलेंगे। देख रहे हो कितनी तगड़ी बारिश है। तो बोले बारिश रुक चुकी है दोबारा से और हम फिर से चल दिए हैं अपनी मंजिल की ओर, पूरा महादेव पहुंच के ही रहेंगे और 1 घंटे के अंदर अंदर मैक्सिमम। तो बोले देख सकते हो सामने लिखा हुआ है पूरा महादेव 3 किलोमीटर मात्र। तो फटाफट कहते हैं, मौसम हो गया एकदम सुहावना, सावन का जो मौसम होता है ना बिल्कुल वही, पूरे रास्ते में कहीं नहीं मिला ऐसा मौसम, पूरे रास्ते भीगते हुए आए वो, मतलब गर्मी में पसीनों में भीगते हुए आए। लेकिन यहाँ आते ही भाई महादेव जी ने भाई क्या कर दिया, मौज कर दी, मुझे लग रहा आगे दिखे दोबारा बारिश आ गई। अरे नीचे आप चल रहे हैं। तो बोले देख सकते हो बारिश आनी स्टार्ट हो चुकी है फिर से, और भाई मौसम अब की बार मुझे लग रहा तगड़ा ही बनेगा। लेकिन हम नहीं रुकेंगे, अब हम जल अभिषेक करने के बाद ही देखेंगे जो होगा। बोले हम पहुंच चुके हैं पूरा महादेव की सीमा में और आप देख सकते हो चारों तरफ जाम ही जाम लगा हुआ है, मतलब जाम तो नहीं अब तो खुला है। अब तो हम जल बिल्कुल तसल्ली में करेंगे, क्या बोलते हैं जल अभिषेक, हाँ बिल्कुल प्यार से जल अभिषेक करेंगे अभी, क्योंकि इधर देख सकते हो कि सारे में को मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर तक ऐसे ही मिलेगा आप लोगों को। तो बोले पहुँच चुके हैं कहाँ, पूरा महादेव से मतलब मात्र 1 किलोमीटर दूर। बारिश हो रही तगड़ी वाली जिसे क्या, लेकिन मज़ा पूरा आ रहा है टाइम तगड़े वाला, कुछ भी कहो। इधर ये नदी है काली नदी बोलते हैं शायद वैसे तो, पर लेकिन नाम इसका कुछ नाम याद नहीं आ रहा अभी। बोल शंकर भगवान की जय। तो बोले हम पहुँच चुके हैं पूरा महादेव मंदिर और हमारे सारे बोले पहुंच चुके हैं इधर, ये रे। तो मतलब हम सारे बोले पहुंच चुके हैं पूरा महादेव मंदिर, आप करेंगे यहाँ पे परिक्रमा। बोल शंकर भगवान की जय। तो बोले जाने वाले बोले ज्यादा है, आने वाले बोले कम है, क्योंकि हम तो शिव 14 का ही जल अभिषेक करते हैं। तो बोले चल दिए हम परिक्रमा करने के लिए। ओहो भोले मौसम क्या मौसम हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, मजा बांध दिया भाई, हवा चल रही है। बोले हट जाओ बोले साइड बोले चप्पल है, ढूंढ लो लूट लो जो मिले लूट लो। तो बोले मंदिर की पैड़ियों पर आ चुके हैं और अब हम परिक्रमा कर रहे हैं। बोल शंकर भगवान की, बोल नीलकंठ महादेव की जय, शंकर भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल पूरा महादेव की जय। बोले रे तेरी बम 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 बोले, बोले हमने परिक्रमा कर लिया, अपने घर आ गए। बोल शंकर भगवान की जय, बोल पूरा महादेव की जय। लो भाई परिक्रमा हो चुकी है हमारी पूरी, बोल शंकर भगवान की जय, बोल पूरा महादेव की जय। बोले पूरे महादेव के मंदिर का प्रमुख मुख्य द्वार ग्राम पंचायत पूरा, तो बोले कर लो दर्शन पूरा महादेव के। बोले ये है एग्जिट गेट, इधर से ही आएंगे हम बाहर निकलते हुए। बोले फिर से बारिश आ गई फिर से, देख लो भीड़ कितनी है, अब तो और
बाद मिलते हैं। तेरी दर्शन कर लो मंदिर के। हाँ सबका जल चढ़ गया और हालत देख सकते हो कैसी हो गई है। बारिश इतनी आ रही ना मौसम खेल हो रहा है। मार 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 अब मार अब मार ना अब बोल रहा था बहुत अब मार। शर्मा की फोन खो गया चुरले पड़ेगा। चप्पल खो गई गई चप्पल चप्पल खुकी गई कह रहा। अच्छा तू है पापी बोला तेरी कोई चप्पल गलत हो गया। तो बोले ये थे हमारे 5 दिन यात्रा के, नहीं 5 से 6 दिन, 6 दिन थे शायद, 6 दिन थे हमारे यात्रा के। और हमने जल अभिषेक कर दिया है पूरे महादेव पे, हरिद्वार से लेके यहाँ तक 142 किलोमीटर की यात्रा थी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल दोबारा से मिलेंगे। बाकी मिलते हैं, बाय बाय।